मिलिए गौरव पांडे से, जिन्होंने हम्टी शर्मा के दुल्हनिया से फिल्मी दुनिया में एंट्री मारी और फिल्मों से होते हुए पहुंच गए हैं ओटीटी की दुनिया में। तुमसे ना हो पाएगा इनकी नई फिल्म रिलीज होने जा रही है, पर रियल लाइफ में गौरव पांडे कैसे हैं, रियल लाइफ में कैसा है इनका घर, कौन से गानों पर डांस करना इन्हें पसंद है, पियानो बजाना इन्हें पसंद है, गार्डनिंग का शौक है और बास्केटबॉल प्लेयर रहे हैं, अपने भाई सौरभ पांडे के साथ रहते हैं मुंबई में और अपने घर को कैसे रखते हैं, किचन में क्या क्या है इनकी खूबियां और जिम में कैसे बहाते हैं ये पसीना, पर ये सब जानने के लिए आज हम पूरा दिन बता रहे हैं इस अभिनेता के साथ जिनका नाम है गौरव पांडे। गौरव की जिंदगी की छोटी छोटी बातों को जानने के लिए उनके घर चलेंगे, उनके जिम चलेंगे, उनके परिवार से मिलेंगे, उनका डांस देखेंगे और उनका गाना भी सुनेंगे। तो चलिए चलते हैं गौरव के घर पर, बजाते हैं उनके घर की घंटी और उन्हें कहते हैं हेलो। हेलो, वेलकम वेलकम टू माय हाउस, प्लीज आइए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह क्या बात है, जो दिन की शुरुआत है ये कौन सी टी है? ये बेसिकली काढ़ा है, इसमें तुलसी, अदरक और लौंग, फिर अपना काफी सारी ऐसी चीजें जाती हैं जो मैं हर सुबह पीता हूँ गर्म करके। आई थिंक मेरे को वो क्लेंस कर देता है पूरी तरीके से। सो वेलकम टू माय हाउस, दिस इज माय हाउस, प्लीज कम इन, दिस इज द किचन, एक राउंड किचन में। ये मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है, यहाँ पर सारा हेल्दी खाना सब यहीं पर बनता है और कभी कभार समोसे भी बन जाते हैं। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, समोसे बन जाते हैं कभी कभार। तो लेते हैं गौरव के घर का टूर, कैसे उन्होंने घर को सजाया है, कैसे अपने भाई सौरभ पांडे के साथ मुंबई में उनका आशियाना है और देखते हैं कि कैसे करते हैं गौरव हाथ में ये काढ़ा लेकर अपने दिन की हेल्दी शुरुआत। नहीं नहीं, ये शुरुआत मैंने कोविड में करी थी, मगर ये एक ऐसी चीज है जो रह गई। सो प्लीज आइए, दिस इज माय लिविंग रूम और ये बालकनी में मैं काफी बैठता हूँ, अपना काढ़ा मारता हूँ सुबह सुबह और के थोड़े से अनकैम्प्ड डर्टी टाइप्स रहते हैं इस बॉडी से, बट मेरा क्या है कि बड़ा सिंपल सा, बहुत क्लीन सा, मुझे थोड़ा पसंद है कि हर जगह थोड़ी क्लीनलीनेस हो, ज्यादा धूल मिट्टी ना हो। तो ये बहुत ही बेसिक वॉच है, वो दिखने में अच्छी थी, मेरे घर के सेटअप के साथ जा रही थी तो मैंने लगा दी। आपको बताओ अच्छी लग रही कि नहीं, टाइम तो दिखा रही है ना काफी है। और ब्रदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस है, बहुत स्पिरिचुअल है, तो जस्ट बिकॉज ही स्टेज हियर वो थोड़ा मेंटेन करके रखते हैं कि यार सारी एनर्जीज यहाँ पर कहीं ना कहीं। डाइनिंग टेबल के ऊपर ना ये बड़ा अच्छा सा फोकस देगा, तो आप शाम को यहाँ पर बैठेंगे, डाइनिंग करेंगे और सिर्फ ये लाइट जलाएंगे और कोई भी नहीं जलाएंगे ना, तो बहुत अच्छा एक फील आता है, सटल लाइट आती है, आराम से खाना भी दिखता है, खाना बहुत ब्यूटीफुल दिखता है। तो आई थिंक या दैट्स व्हाई आई चूज फॉर दिस। ये टीरेक्स है बेसिकली, इसका बहुत स्पेशल रीजन है, द फर्स्ट टाइम वी एवर गॉट इनैमर्ड बाय फिल्म्स एंड फिल्म मेकिंग was in 1996, actually 94 when Jurassic Park came out. We saw it in 1996 in India in a cinema hall called Vishal in Delhi. I remember it very very well. Me and my brother went to watch it. मेरे पापा लेकर गए थे हम दोनों को, और जब हमने देखा we were mesmerized, Jurassic Park by Steven Spielberg. तो उस समय से हमें ना बहुत ही एक रुचि हो गई और एक इंटरेस्ट हो गया कि यार ये क्या क्रिएचर्स हैं और ये कैसे दिखा दे, और फिल्म मेकिंग में भी फॉर दैट मैटर। मैं अगर आपको बताऊँ तो मैं तो बहुत ही लकी हूँ कि हमारे इस घर में ऐसा ही बना के दिया था, मतलब इट्स नॉट लाइक कि हमने ऐसी इतनी बड़ी बड़ी सी थ्रू टाइप्स ये ऐसे विंडोज लगाई हैं, ये ऐसे लगा के दिया हुआ था और इससे व्यू काफ़ी अच्छा आता है और वेंटिलेशन मैं बताऊं तो बहुत ही अमेजिंग आती है इस लिविंग रूम में। अगर हम ये दो विंडो खोल दें यहाँ पर हम आराम से बैठते हैं और ये काढ़ा पीते हैं। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल, ना 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 ना, रहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत, हो गई है मुझे पलकों की छांव में, रहने दो एहसान तेरा हो
दंगा मुझ पर। एक नई बिल्डिंग थी जो बन रही थी आज से करीब 4-5 साल पहले, तो माई ब्रदर सौरभ, ही वॉज लुकिंग फॉर अ हाउस, वी वर लुकिंग फॉर अ न्यू हाउस। तो हमने उस समय जब ये बन रही थी बिल्डिंग, तब एक घर ले लिया यहाँ पर कि देखते हैं भाई जब बिल्डिंग बनेगी तो कैसे रहेगा। अंधेरी में है, वीरा देसाई में, तो काफ़ी अच्छी लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन है, आसपास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हमने ये घर लिया और कोविड के दौरान इसकी पोजीशन मिल गई हमें, तो शिफ्ट हो गए यहाँ पर। एक साल से मैं पिछले रह रहा हूँ एंड आई एम लकी दैट हमें ऐसा सा ऐसी बैल्कनी मिली है, ऐसा घर मिला हुआ है। मेरी जो मॉम है ना, वो बचपन से ही जब हम पैदा हुए, दिल्ली में हम पैदा हुए, तो मेरे जो घर था ना उसके ऊपर ना वो जो टेरेस होता था वहाँ पर ढेर सारे गमले बिछा देती थी। उन्हें बहुत पसंद, बिकॉज माई पेरेंट्स फ्रॉम यूपी एंड देव ऑलवेज बीन सराउंडेड बाई लाइक फार्म्स एंड लाइक वेजिटेशन, लाइक ऑल काइंड ऑफ ग्रीन्स। तो उनको शौक था कि यार दिल्ली में रह करके, बॉम्बे में रह करके, हम ना अपने घर में ना बहुत सारे पौधे लगाएंगे, तो हमें ऐसा फील हुआ कि हम नेचर के आसपास रह रहे हैं। सो इट्स अ गुड फिक्स कि घर पे आपने लगा दिया, ऑक्सीजन की कमी नहीं, और कभी कभार स्मेल भी अच्छी आती है, इट्स मस्कीटो रिपेलेंट ऑल्सो सम टाइम्स सम प्लांट्स, एंड इट गिव्स यू फ्री ऑक्सीजन एंड इट लुक्स वेरी गुड। वैसे गौरव एक बास्केटबॉल प्लेयर है, उनके घर के सामने ही रखी हुई है बास्केटबॉल, तो देखिए कैसे ये स्पोर्ट्समैन अभिनेता बन गया। बोर्डिंग स्कूल में मैं पढ़ता था देहरादून में, तो हम स्पोर्ट्स काफ़ी खेलते थे बिकॉज और कोई ऑप्शन था नहीं, तो आई वॉज द स्कूल बास्केटबॉल कैप्टन। एंड ये बॉल रखी हुई है, जब भी मौका मिलता है यहाँ कहीं, वैसे तो ज़्यादा कोर्ट है नहीं, मगर कोर्ट ढूंढ लेते हैं और खेल लेते हैं जब भी मौका मिलता है हमें। गौरव को पुराने गाने सुनने का बहुत शौक है और ये गाने गाते भी हैं और डांस भी करते हैं। तो सबसे पहले गौरव का एक हैप्पी डांस देख लीजिए। भाई अभिनेता है, इसे डांसिंग और सिंगिंग तो आता ही है। वैसे इनके घर पे एक पियानो भी है और पियानो भी बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में ये बजाते हैं। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक पियानो है। डोंट एक्सपेक्ट मी टू प्ले लाइक अदनान सामी बिकॉज आई कांट। मैंने अभी भी मंगवाया है इसे, अभी भी क्या 6-7 महीने हो गए, मगर मैं सीख नहीं पाया, सीखने की कोशिश कर रहा हूँ और होपफुली जल्दी सीख जाऊँ, जैसे मैं सारी चीज़ें धीरे धीरे सीख जाता हूँ। आई थिंक मुझे अभी ये बंद ही कर देना चाहिए तो बेटर रहेगा, जब सीखूंगा तब। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। भाई गौरव की सुबह की शुरुआत तो हमने देख ली, लेकिन अब उनके घर, उनके कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने अपने घर को कैसे सजाया है। सो दिस इज वन रूम, दिस इज द मास्टर बेडरूम, माई ब्रदर स्टेज हियर, मेरे भाई सौरभ पांडे यहाँ पर रहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत ही सिंपल, वेरी नाइस, सटल थोड़ा वाइब है रूम्स का, जैसे आप देख रहे हैं बहुत ही सिंपल। वहाँ पर भी जो मेरे बैल्कनी में व्यू था वो भी कुछ ऐसा ही था, और ये भी ऐसा ही है। अब क्या है कि बेडरूम से आपको ये व्यू मिल रहा है इतने बड़े ग्लासेस के थ्रू, मिरर के थ्रू,
तो आई थिंक जब सुबह उठते हो यहाँ से सनराइज दिखता है आपको तो बड़ा मजा आता है. आई थिंक दिस इज द बेस्ट बेडरूम. सैडली मैं यहाँ पर नहीं रह रहा, मेरा भाई रह रहा है, बट आई ऑल्सो हैव अ नाइस स्मॉल रूम, आई विल शो इट टू यू. मैं आपको एक सीक्रेट बताता हूँ, मेरे को बचपन में पहली बार वीडियो गेमिंग कॉन्सोल मेरे पापा ने ही दिलाया था कि यार ये बड़ी सही चीज है, लेट्स एक्सप्लोर दिस करके. और जब मैंने फाइनली एक बार देखा, आई थिंक मैं बहुत छोटा था, मैं 4-5 साल का था, और एक वो कैसेट वाली गेम आती थी, 8-bit कैसेट गेम्स आती थी, उसको लगा और टिक 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 बैठे रहो उस पर, कॉन्ट्रा, मारियो, ये सारी गेम्स होती थी उस जमाने में जो खेलते थे हम. तो वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ और मैंने कभी भी वीडियो गेम्स का साथ नहीं छोड़ा. इन फैक्ट सो मच सो दैट वन डे आई ड्रीम टू क्रिएट माई ओन वीडियो गेम, प्रोबेबली इंस्पायर्ड फ्रॉम यू नो माई लाइफ एक्सपीरियंसिस एंड सो मेनी अदर थिंग्स. सो या आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट ऑल्सो. दैट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, सो आई थिंक उसके लिए टाइम लगेगा, बट फिलहाल. इतनी सारी खूबियों के बीच गौरव रसोई के काम में भी पारंगत हैं और सुबह सुबह अपना नाश्ता भी खुद ही बनाते हैं. तो देखते हैं कि गौरव की रसोई में आखिर पक क्या रहा है. आपको दिखाते हैं कि मेरा ब्रेकफास्ट यूजुअली कैसा होता है. ठीक है, प्लीज मैं आपको दिखाता हूं कि मैं ब्रेकफास्ट में क्या खाता हूं. अभी मैं आपको बताता हूँ ना, मैंने एवोकाडो टोस्ट बना रहा हूँ. सो बेसिकली ये सिंपल स्क्रैम्बल्ड एग्स है. एवोकाडो का मिश्रण जो है, जिसे हम गुआकामोली बोलते हैं, वो रेडी हो रखा है. उसके साथ हम सिंपल सा नाइसली बड़े प्यार से बहुत ही धीरे से हल्की आंच में बनाया हुआ ये स्क्रैम्बल्ड एग रहेगा. इसको फोल्ड करते 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 बहुत ही क्रीमी सा टेक्स्चर आ जाएगा इसमें. हालांकि मुझे ज़्यादा चीज़ें कुक करनी नहीं आती है, मगर जो जो चीज़ें कुक करनी आती है उसको मैं बड़ी प्यार से बनाने की कोशिश करता हूँ. और हाँ, उसमें चाय और मैगी भी शामिल है, जो आप गेस कर रहे हैं. और ये ऑलमोस्ट रेडी है. आई जस्ट हैव टू मेक श्योर कि एग ज़्यादा रनी ना हो, खाने लायक हो अच्छे से. And then we are good to go. जो avocado को, प्याज को, टमाटर को, थोड़ा अनियन पाउडर, थोड़ा गार्लिक पाउडर, थोड़े और बहुत स्पाइसेस मिक्स करके बनाया गया है. आपका सिंपल बॉडी बिल्डिंग एग्स विद एवोकाडो आर रेडी. ऐसा लग रहा है कोई कुकिंग शो कर रहा हूं मैं, ऑनेस्टली बता रहा हूं. ऐसी सी फील आ रही है अभी. ओके, देखो आप बोल रहे थे ना बॉयज डर्टी नहीं होते. दिस इज द एग्जांपल. ये आप जो दलिया सा दिखने वाला आइटम देख रहे हैं, ये एक्चुअली दलिया है नहीं. ये क्या है, ये रोस्टेड ओट्स हैं, जिसको दलिया फॉर्म में बना रखा है. बिकॉज ओट्स लोग खाते थोड़ा स्वीट मीठा, उसके अंदर ग्रनोला या म्यूसली, ये सारी चीज़ें ऐसा मिक्स करके, चॉकलेट चॉकलेट. मुझे ओट्स पसंद है थोड़ा दलिया स्टाइल, जिसमें गाजर और थोड़ा मटर, नमक, हरी मिर्च, जीरा का तड़का, वो सारी चीज़ें जब तक नहीं जाता ना वो इंडियन स्टाइल, तब तक मज़ा नहीं आता, वो टेस्ट बड्स एक्टिवेट नहीं होते. तो हमने क्या किया, जिन इन्होंने इजाद किया इसका, जिसे बोलते हैं हम दलिया ओट मील. और ये मैं हर रोज खाता हूं रिलीजियसली, बिकॉज़ इट गिव्स यू ग्रेट एनर्जी फॉर योर वर्कआउट, और आपको टेस्ट भी देता है और फुल भी रखता है. So, ये usually is what I eat for my breakfast. Some scrambled eggs, avocado, some oatmeal toast, some savory oatmeal, a lot of ghee for the oatmeal. It is way too healthy for what he shows. So,
प्लीज लेडीज जेंटलमैन से हेलो टू माय ब्रदर सौरभ पांडे. आपने देखा ही होगा इनको काफी शोज में, काफी टेलीविजन शोज में. तो हेलो, हियर वी आर ईटिंग ब्रेकफास्ट. ठीक है, ये बहुत सुबह उठ करके सारा रिचुअल्स और ब्रेकफास्ट खा लेते हैं, तो मेरे पे ही रह गया अब सारा खाने का मेरे ख्याल से. कौन है छोटा? गेस करो, बताओ. बड़े आप, छोटे आप. यही तो प्रॉब्लम हो जाती है. ये मेरे से एग्जैक्टली पौने 2 साल बड़े हैं और मैं छोटा हूँ. आई थिंक वो आप दाढ़ी पे ज्यादा जा रहे हो तो. बट हाँ, क्लेनलीनेस का मैं ऑनेस्टली बताऊं तो द होल क्रेडिट गोज टू हिम बिकॉज ही इज ऑलवेज केप्ट द हाउस वेरी नाइस एंड क्लीन, वेरी टाइडी. Always followed a decorum because he's always been like that. आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे. बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है. अब वक्त हो गया है जिम में जाने का, तो चलिए गौरव के साथ चलते हैं उनके जिम में और देखते हैं कि कैसे वो खुद को रखते हैं फिट. बहुत ज़्यादा वेट्स करता था, थोड़ा बॉडी वॉडी बनाने का शौक भी था, बट सिंस दैट इज़ हैपेंड मैं थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग, कार्डियो, वेट्स को थोड़ा सा बैलेंस करता हूँ. और इसी वर्कआउट सेशन को दिखाने के लिए आप हमारे साथ अभी के अभी चलिए. वैसे जान लेते हैं गौरव का सफर भी, भाई कैसे दिल्ली का ये लड़का पहुंचा मुंबई और कैसा था इनका ये सफर भी. यार हम्प्टी शर्मा तो हमने शूट करे उसको, इनफैक्ट एक ट्रिविया ये है कि उसको एग्जैक्टली 10 साल हो गया शूट करे हुए. आई थिंक रिलीज भी थोड़े दिनों बाद ही हो गई थी, थोड़े महीनों बाद हो गई थी. तो उस समय दैट वॉज माई फर्स्ट फिल्म, मेरी पहली फिल्म थी. उससे पहले मैं सिर्फ एड्स कर रहा था, काफ़ी एड्स कर रहा था. और मैं एक्चुअली बहुत ही खुद ही शॉक था, सरप्राइज था कि यार धर्मा की एक ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग सी यूथ ओरिएंटेड फिल्म मैं कर रहा हूँ. इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू. सो आई एम ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर डूइंग हम्प्टी शर्मा. इतनी कनेक्ट हुई लोगों को, इतनी पसंद आई ऑडियंसिस को कि उन्होंने बोला कि यार दूसरी भी फिल्म कुछ अब उसका सीक्वल निकालो. तो करण एंड अपने जो डायरेक्टर थे उन्होंने डिसाइड किया कि लेट्स मेक अ सीक्वल आउट ऑफ इट. एंड देयरफॉर बद्रीनाथ की दुल्हनिया भी आई. और फिर मैंने एक और फिल्म करी फ्लाइंग जट उसी के दौरान, रेमो सर की. टाइगर श्रॉफ वाज देयर, जैकलिन वाज देयर, बालाजी वाज प्रोड्यूसिंग इट. अगेन सो मेनी बिग नेम्स इन्वॉल्वड. आई एम जस्ट सो ग्रेटफुल दैट आई हैव बीन सराउंडेड विद सो मेनी अमेजिंग प्रोडक्शन हाउसेज. वी ओनली ड्रीम ऑफ वर्किंग विद देम एंड दे आई वॉज ऑलरेडी वर्किंग विद देम. मुझे यशराज ने भी एक चांस दिया. उनका पहला जो वेब शो था इट्स कॉल्ड अ मैंस वर्ल्ड. इट्स देयर ऑन यूट्यूब. प्लीज उसको भी देखना आप अगर आपने नहीं देख रखा है. इट्स क्वाइट अमेजिंग. वो दैट वॉज देयर फर्स्ट एवर इंटरनेट शो. तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट. सो अगेन आई एम सो ग्रेटफुल दैट आई वॉज अ पार्ट ऑफ यशराज ऑल्सो. हमने इतनी सारी फिल्में देख रखी हैं, वीर जारा और सो मेनी अदर ओल्ड फिल्म्स एंड न्यू फिल्म्स. तो वो भी एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर यू ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ यू नो बींग अ पार्ट ऑफ इट, गेटिंग इन टू द ऑफिस ऑफ यशराज एंड फीलिंग दैट ग्रैंडनेस. वो सब बहुत, तो मतलब एक्सपीरियंस बहुत सही रहा है सो फार. काफ़ी फिल्में करी हैं, काफ़ी शोज कराए, बहुत एड्स किए हैं. और अभी रिसेंटली भी एक मेरा शो आया है जो द ट्रायल नाम का विद काजोल मैम. लोगों ने उसको भी काफ़ी पसंद किया. आई थिंक फॉर द होल मंथ इट वॉज अ टॉप मोस्ट शो राइट नाउ.
एंड दिस फिल्म इज कमिंग आउट सो आई थिंक लाइफ इज गुड यार स्मूथ राइट नाउ वर्किंग एट इट एफर्ट्स लगा रहे मेहनत कर रहे हैं आई थिंक उसी के पैसे थोड़े जो भी मिल रहे हैं तो भाई ये थी गौरव पांडे की छोटी सी दुनिया I'm really sad to say that this session is getting over. But thank you so much. आप मेरे साथ मेरे day out पे आए. बड़ा अच्छा लगा आपके साथ interact करके. आप मेरे भाई से मिले. हमारे साथ आपने खाना खाया. Piano भी बजाया. सुरील सी आवाज भी सुनी आपने. मेरा workout भी देखा आपने. और पूरे life का एक छोटा सा टुकड़ा आपको मैंने अपना दिया है. Please, मेरी film आ चुकी है. तुमसे ना हो पाएगा. Disney Plus Hotstar पे. Please देखिए. Or I hope you like it. And I'll see you guys soon. So, thank you and bye. Gaurav हाल ही में काजोल के साथ The Trial नाम की वेब शो भी देखे थे. अब उनकी नई फिल्म तुमसे न हो पाएगा में वो कुछ अलग करने जा रहे हैं. फिल्म और OTT का ये चेहरा तैयार है लोगों का दिल चुराने के लिए. और आज गौरव के बारे में छोटी छोटी बातें हमने दिखाई सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटिया में. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट. हम तो लेकर आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें. और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.